बुलडोजर की वजह से यूपी सुर्खियों में रहा करता था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी अब बुलडोजर की वजह से खबरों के केंद्र में है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जी हाँ, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 20 अप्रैल से लगातार दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है वो भी लाइमलाइट में है पूरी तरीके से। तमाम जगह पर आप दिल्ली में बुलडोजर की तस्वीरें देख रहे होंगे और ये तस्वीरें लगातार जारी हैं। और अब आपको बता दें कि बुलडोजर जो है, जो अब तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगम की ओर से चलाया जा रहा था, अब आम आदमी पार्टी के नेता, केजरीवाल के नेता दुर्गेश पाठक ने एक बड़ी धमकी दे दी है। जी हाँ, धमकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के घर पर, जहां पर अतिक्रमण है वहां पर अतिक्रमण हटाती नहीं है, तो फिर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके घर अतिक्रमण हटाने के लिए वो खुद बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। क्या कुछ कहा है दुर्गेश पाठक ने वो सुनिए। आप लोगों ने देखा कि आपके ही मीडिया के साथियों ने ये न्यूज चलाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का जो मकान है वो अनऑथराइज है, किस तरह से उन्होंने सड़क पर इनक्रोचमेंट की हुई है, किस तरह से उन्होंने अपने घर का जो एमसीडी में नक्शा पास कराया उस नक्शे के आधार पर अपने घर को नहीं बनाया है, किस तरह से उन्होंने अपने घर को इनक्रोच किया हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आदेश गुप्ता जी का जो ऑफिस है, उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है, वो एमसीडी के स्कूल में चलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी को ये चुनौती देता हूँ कि कल 11 बजे तक आप आदेश गुप्ता के घर का जो कि इनक्रोचमेंट है, इलीगल इनक्रोचमेंट है, और जो उनका ऑफिस इलीगल तरीके से बना है, उसके खिलाफ अगर कल आप 11 बजे तक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोजर ले जाकर आदेश गुप्ता के घर का इंक्रोचमेंट खुद तोड़ेगी कल। तो दुर्गेश पाठक को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर जो इंक्रोचमेंट नजर आ रही है उसके खिलाफ उन्होंने एमसीडी को पत्र लिखा है, शिकायत पत्र लिखा है, कंप्लेन फाइल की है, लेकिन अभी तक एमसीडी ने इस पूरे मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद अगर 11 बजे तक, जी हां 14 मई को सुबह 11 बजे तक अगर एमसीडी के द्वारा आदेश गुप्ता के घर पर जो इंक्रोचमेंट नजर आ रही है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंचेगी और बुलडोजर लेकर जाएगी। अब दुर्गेश पाठक तो इसे चुनौती कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो धमकी से कम नजर नहीं आ रहा है। और इस धमकी पर जवाब भी दिया है बीजेपी नेता हरीश खुराना ने। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी ने धमकी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यहाँ पे सो कॉल्ड जो इनकी नजर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन उसको नहीं तोड़ा गया तो वो बुलडोजर लेके आएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किस कैपेसिटी में दुर्गेश पाठक जी कल बुलडोजर लाने की धमकी दे रहे हैं। ना तो वो पार्षद हैं, ना वो विधायक हैं, और अगर वो पार्षद और विधायक होते भी तो ये काम एमसीडी का है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार से कि पहले भी हमने कई बार देखा कि आपका कानून के ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या अब भी जो ये जो पाठक साहब ने बोला है क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कानून को अपने हाथ में लेने की बात दुर्गेश पाठक जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो अब चरित्र हो गया आम आदमी पार्टी का कि न कानून न कुछ नहीं, जो केजरीवाल कहें और जो आम आदमी पार्टी कहे वही सही, कानून से ऊपर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये बात पूरी दिल्ली की जनता देख भी रही है और जान भी रही है कि किस प्रकार से आप कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दुर्गेश पाठक की धमकी का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से
कानून व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह से दुर्गेश पाठक ने ये कहा है कि अगर 11 बजे तक 14 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर के बाहर जो इनक्रोचमेंट है उस पर एमसीडी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आम आदमी पार्टी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचेगी। अब देखना होगा कि आदेश गुप्ता के घर के बाहर 14 मई को क्या मंजर देखने के लिए मिलता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।